तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की आंखों के बारे में। नवजात शिशु की आंखें उनके शरीर का सबसे कोमल पार्ट होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने नवजात शिशु की आंखों की देखभाल कर सकते हैं और कैसे उसकी आंखों की रोशनी को और बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी इस वीडियो को। आप अपने नवजात की आंखें पानीदार या लटकती हुई अवश्य पाएंगे। ग्लूनोमा या मोतियाबिंद का पारिवारिक इतिहास आपके बच्चों की आंखों में दिखाई पड़ सकता है। सुनिश्चित हो ले कि वह अपनी पलकें अधिक बार ना झपकाता हो। नवजात को आंखों के विशेषज्ञ के पास ले जाएं। टिप नंबर 1, आहार। एक संतुलित आहार जिसमें लाल और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, गाजर, चुकंदर और पीले फल जिसमें शामिल है आम, पपीता, जो कैरोटीन से भरपूर है, संतानों के लिए बनाया गया है। टिप नंबर 2, टीवी देखना। एक अच्छे रोशनी वाले कमरे में टीवी को 3.5 मीटर या उससे अधिक दूरी से देखना चाहिए। टिप नंबर 3, कंप्यूटर का उपयोग। बच्चों को इसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे आंखें थके नहीं। कंप्यूटर की स्क्रीन आंख के स्तर से नीचे होना चाहिए। ये आंखों को पूरा झपकने देती है जिससे सूखेपन और आंखों के थकान के लक्षण को कम किया जा सकता है। इसलिए बच्चों को अपनी आंखें अवश्य झपकाना और निश्चित अंतराल पर आंखों को आराम देना चाहिए। टिप नंबर 4, रोशनी। किताबों को पीछे से आने वाली रोशनी में 14 इंच की दूरी से पढ़ना चाहिए। टिप नंबर 5, स्नान करते समय क्लोरीन और अन्य रसायन से आंखों को बचाने के लिए सुरक्षात्मक चश्मों का प्रयोग करें। टिप नंबर 6, आंखों की रोशनी बढ़ाने का उपाय। स्कूली बच्चों में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस पाया जाता है। इससे बचने के लिए बच्चों को बार बार आंख पोंछने से मना करना चाहिए। टिप नंबर 7, नवजात की आंखों में काजल लगाना और गुलाब जल से धुलना हानिकारक हो सकता है। टिप नंबर 8, बच्चों की नजरें तेज करने के उपाय। आंखों को पर्याप्त आराम दें और उचित नींद के साथ ये दोनों ही आपकी आंखों की शक्ति को बढ़ाएंगे। टिप नंबर 9, दूर से वस्तुओं को देखना। अपने आराम के समय उन्हें वस्तुओं को दूर से देखना चाहिए। यह उनकी देखने की क्षमता को और अधिक बढ़ाएगा। तो यह सब थी जरूरी टिप्स जो आपके नवजात शिशुओं की आंखों की देखभाल कर सकती हैं। तो अगर आपको भी अपने बच्चे की आंखों की रोशनी को और तेज करना है तो इन टिप्स को जरूर ध्यान में रखें। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन डेली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटिफुल विद मी।